हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स जंक्शन पे। स्टूडेंट चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और पास में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था अबाउट चार्ज, चार्ज की प्रॉपर्टी एंड चार्जिंग मेथड, इंडक्शन कंडक्शन, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में। अब स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले ये देखिए स्टूडेंट्स, का नाम है गोल्ड लीफ, तो इसे गोल्ड लीफ क्यों पड़ा, इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है। देखिए हम सब चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है। तो देखिए, इट इज ए डिवाइस, इट इज डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, और स्टूडेंट टू फाइंड द नेचर ऑफ चार्ज। अब देखिए गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम करता है, एक तो पहला काम क्या हुआ, इट इज ए डिवाइस, पहली डिवाइस है जो क्या काम करती है, यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज। देखिए यूज टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को डिटेक्ट करने का काम करती है, और साथ में ही उस चार्ज के नेचर को भी शो करता है, कौन, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब स्टूडेंट हम समझेंगे कि ये काम होता कैसे है, ये सारा फंक्शन कैसे होता है, उसके लिए हमें सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप जो कि ये है आपके सामने। अब देखिए इसमें मैंने क्या क्या किया है, सबसे पहले एक लिया है ग्लास जार, ये आपका ग्लास जार, इस ग्लास जार में मैंने क्या किया है, देखिए ग्लास जार, ये कंप्लीट ग्लास जार, ग्लास जार मैंने क्या किया है, मेटल रोड फिक्स किया है, मेटल रोड ये देखिए यहां से ये मेटल रोड है, ये मैंने फिक्स कर दी, देखिए ये मेटल रोड, मेटल रोड के ऊपर एंड पर मैंने मेटलिक लॉ नॉब फिक्स किए और बॉटम पार्ट में गोल्ड फॉयल यानी गोल्ड लीफ फिक्स किए जो कि बहुत पतली होती है स्टूडेंट्स। अभी जो मेटलिक रोड है स्टूडेंट, इसको मैंने फिक्स किया है रबर स्टॉपर से जो कि एक इंसुलेटिंग मटेरियल से मिलकर बना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ये फंक्शन कैसे करता है ये देखना हमारे को, ये इसका कंस्ट्रक्शन था, अब आते हैं इसके फंक्शन पे, वर्किंग पे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं स्टूडेंट, हम एक चार्ज बॉडी लाते हैं, एक चार्ज बॉडी लाया, इस पे चार्ज दिया, तो इस कंप्लीट बॉडी पर क्या हो गया, चार्ज आ गया। अभी मेटालिक नोब क्या करता है, उस चार्ज को रिसीव करता है और ट्रांसफर करता है मेटालिक रोड, तो मेटालिक रोड पे भी क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज बच्चों इस गोल्ड लीफ यानी गोल्ड फॉइल पर भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, देखिए डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब क्या होगा देखिए समझिए, जैसे ये चार्ज गोल्ड फॉइल पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, गोल्ड फॉइल डाइवर्स होना स्टार्ट होती है, देखिए डाइवर्स, जैसे समझिए ये दो गोल्ड फॉइल है, ये अटैच है यहां से, ऊपर से अटैच है, मान लीजिए यहां से ऐसे कैसे। अब क्या, जैसे इस पे चार्ज आना स्टार्ट हो, ये बहुत पतली होती है, बहुत हल्की होती है, जैसे चार्ज आएंगे स्टूडेंट, सेम चार्ज आ रहा है, इसमें भी सेम चार्ज है, इसमें भी सेम चार्ज है, दोनों पे सेम चार्ज है, तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से डाइवर्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, इस तरह से फैलना स्टार्ट हो जाएंगे, दूर दूर जाना स्टार्ट हो जाएंगे, क्यों, सेम चार्ज है, सेम नेचर का चार्ज है। हमने पढ़ा था सेम नेचर के चार्ज में रिपल्सन होता है स्टूडेंट्स, वो दूर दूर जाते हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे सेकेंड स्टेप, ये पहली स्टेप थी, सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे स्टूडेंट, हम एक हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी लाएंगे, हाईली पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जिस पर चार्ज ज्यादा है, तो अब क्या होगा, जैसे लाकर इसको इसके साथ टच करेंगे, यहां लाकर इसको टच कराएंगे स्टूडेंट, तो टच करवाने पे ये चार्ज और ज्यादा इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, जिससे कि क्या होगा, यहाँ चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी, और चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो स्टूडेंट से गोल्ड फॉइल और ज्यादा डाइवर्स होगी, इस तरह से फैल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह से हमें पता चला है अमाउंट ऑफ चार्ज, यानी कि हमने देखिए स्टूडेंट्स, इट इज ए डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट द इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज डिटेक्ट कर लिया तभी तो वो और ज्यादा रिपेल हो रही है। चलिए अब थर्ड पॉइंट देखिए, क्या थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अब हम एक बॉडी लाते हैं जो कि नेगेटिवली चार्ज होती है, मान लीजिए हम ये बॉडी ला रहे हैं जिस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। जैसे ही हम नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी लेंगे स्टूडेंट, तो नेगेटिव चार्ज आने पर क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज से ये पॉजिटिव चार्ज रिएक्ट करेगा,
अट्रैक्ट होगा, और जैसे अट्रैक्ट होगा स्टूडेंट यहाँ पर चार्ज का अमाउंट घटेगा, जैसे चार्ज का अमाउंट घटता जाएगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज आ गया तो चार्ज का अमाउंट घटने पर ये गोल्ड फुल क्या होगी, पास पास आने लगेगी पास। इस तरह से हम क्या पहचानेंगे कि देखिए जब अपोजिट नेचर का चार्ज ला रहे हैं तो ये पास आ रही है, अट्रैक्ट हो रही है, और जब सेम नेचर पिछली बार जो पॉजिटिव लाए थे तो क्या होती है, रिपेल होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप नेचर ऑफ चार्ज को भी एक्सप्रेस करता है स्टूडेंट, ठीक है। देखिए क्या किया था हमने, पहले स्टेप में कोई चार्ज बॉडी लाई थी तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ था जिससे गोल्ड फॉइल फैली डाइवर्जिंग, फिर सेकंड स्टेप में हम और हाईली चार्ज बॉडी लाए जिसके कारण और ज्यादा डाइवर्ज हुई, इससे हमें चार्ज का अमाउंट मिला और चार्ज डिटेक्ट भी हो गया। थर्ड स्टेट में क्या किया हमने, नेगेटिवली चार्ज बॉडी लाया जिसके कारण क्या हुई, कन्वर्ज होने लगी, यानी कि हमें पता चला यहाँ पर नेचर ऑफ चार्ज के बारे में। अब स्टूडेंट्स गोल्ड लीफ क्यों बोलते हैं, देखिए गोल्ड लीफ क्यों लगाया इसके आगे, क्योंकि देखिए हम इसमें क्या यूज कर रहे हैं, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल यानी गोल्ड लीफ है, गोल्ड फॉइल एक ही बात है, कुछ ही बोल दीजिए। दैट्स व्हाई इस टॉपिक का नाम क्या पड़ा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। कुछ बुक्स में सिर्फ इलेक्ट्रोस्कोप भी होता है तो डोंट वरी, एक ही बात है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगला टॉपिक जो हमारा है वह है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप इसको नोट कर सकते हैं, पेन और कॉपी निकाल के नोट करते जाइए, बहुत इजी तरीके से बताया स्टूडेंट्स आपको मैंने। नेक्स्ट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देखिए स्टूडेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है देखते हैं। स्टूडेंट किसी भी बॉडी पर चार्ज हम तीन तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है समझ लिए, कौन कौन से टाइप तरीके से, तीन टाइप है। देखिए पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, पहला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए स्टूडेंट्स लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, देखिए स्टूडेंट लीनियर चार्ज का मतलब ये होता है कि चार्ज एक लीनियर फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होना किसी बॉडी पर, उसे बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि स्टूडेंट देखिए दूसरे वर्डों में कह सकते हैं, व्हेन चार्ज ऑन ए बॉडी, व्हेन द चार्ज ऑन ए बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशन व्हेन चार्ज ऑन ए बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन वन डायमेंशन इट इज कॉल्ड, इट इज नोन एज लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये स्टूडेंट्स आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर किसी बॉडी पर चार्ज एक वन डायमेंशन में डिस्ट्रीब्यूट होता है तो स्टूडेंट्स इसे बोलते हैं हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, अब इसको थोड़ा और देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर, ये समझिए इधर ये हमारा एक कंडक्टर जो कि लीनियर फॉर्म में और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसे बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मान लीजिए स्टूडेंट्स इस कंडक्टर पे चार्ज जो है हमने कंसीडर किया वो क्यों है, क्यों क्या है, इस कंडक्टर पर चार्ज है और मान लीजिए स्टूडेंट्स की लेंथ जो हमने ली है वो एल है, यानी एल क्या है इसकी लेंथ है, एल इसकी लेंथ है। तो स्टूडेंट देखिए यहां पर ये आपका होगा, देखिए इस लेंथ में इतना चार्ज है तो चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गया और इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लेमडा से, लेमडा और ये हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको बोलते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज
लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हुई स्टूडेंट्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब स्टूडेंट आते हैं किसकी यूनिट पर, यूनिट, यूनिट स्टूडेंट होती है इसकी, देखिए क्या हुई, चार्ज की यूनिट है कूलाम, कूलाम को हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे एल की मीटर, और मीटर को हम एम केस में एम से रिप्रेजेंट करते हैं, तो क्या यूनिट होगी कूलाम अपॉन मीटर। फाइनल पॉइंट डायमेंशन, देख लीजिए डायमेंशन क्या होती है, आप देखिए डायमेंशन क्या होती है स्टूडेंट्स, कूलाम की यूनिट, देखिए चार्ज की यूनिट कूलाम थी, तो आपको पता होना चाहिए कि चार्ज की जो डायमेंशन होती है स्टूडेंट्स वो होती है 80, और ये क्या एल, तो ये लेंथ, तो 80 एल इनवर्स ऊपर आएगा, तो ये डायमेंशन होगी स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, तो डायमेंशन क्या होगी 80 एल इनवर्स, ये आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और Q अपॉन L होता है स्टूडेंट लीनियर चार्ज डेंसिटी, कहने का मतलब किसी लेंथ में कितना चार्ज है दैट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आइए हम पढ़ेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगला जो डिस्कशन टॉपिक अपना वो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सॉरी। अब देखिए व्हेन चार्ज ऑन ए बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू डायमेंशन, इन टू डायमेंशन इट इज नोन एज, अब लीनियर की तरह क्या जाएगा यहां पर अगेन सरफेस, मतलब स्टूडेंट्स अगर चार्ज किसी सरफेस पे किसी प्लेन पे डिस्ट्रीब्यूटेड, प्लेन पे 2D प्लेन पे, तो स्टूडेंट्स उसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ध्यान रखिए 2D प्लेन होना जरूरी है तभी सरफेस चार्ज आएगा, अब समझते इसको भी, देखिए मान लीजिए स्टूडेंट्स ये बॉडी एक, ये बॉडी है, इस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये लीजिए सरफेस है, एक सरफेस एक प्लेन बॉडी है जिस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लीजिए इसका एरिया है ए, ये क्या है एरिया इस बॉडी का, और इस पर जो चार्ज है वो चार्ज मैंने कंसिडर कर लिया कि चार्ज है इसमें क्यू, तो स्टूडेंट चार्ज पर यूनिट एरिया नॉन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू अपॉन ए, और इसे बोलेंगे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे स्टूडेंट, ध्यान रखिए या आपके बाद में काम आएंगे, दैट्स व्हाई ये हमारे लिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं डायमेंशन, तो देखिए यूनिट सॉरी यूनिट पे आएंगे पहले, तो यूनिट देखिए यूनिट क्या होती है क्यू अपॉन ए, क्योंकि क्या होती है कूलाम, और एरिया, एरिया की एम केस में मीटर स्क्वायर, तो यहां पर आ जाएगा मीटर स्क्वायर, अब इसको तो अपन पता है क्या लिखते हैं 80, इसको क्या लिखेंगे एल स्क्वायर, तो ओवरऑल यूनिट क्या बन जाएगी देखिए 80 एल इनवर्स, ये इसकी यूनिट बन गई, ये यूनिट है सॉरी डायमेंशन बन गई, ये इसकी डायमेंशन हो गई, ये डायमेंशन है और यूनिट हो गई स्टूडेंट, ये लीजिए देखिए 80 अपॉन एल स्क्वायर, तो ये हो गई 80 एल इनवर्स, ये लीजिए ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए फिर से देख लीजिए सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, अगर चार्ज किसी बॉडी पर टू डायमेंशनली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी किसी प्लेन पे या टू डायमेंशन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसे बोलेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और स्टूडेंट सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को समझने के लिए हमने क्या लिया, एक प्लेन ले लिया, इस पर मान लिया क्यू चार्ज है और इसका एरिया ए है, तो क्यू अपॉन ए इक्वल होता है सिग्मा के, सिग्मा को हम बोलते हैं क्यू अपॉन ए इक्वल टू सिग्मा, और इसे बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी,
इसकी यूनिट होती है स्टूडेंट्स सरफेस एरिया डेंसिटी की यूनिट होती है क्यू कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगी इसकी तो 80 होगी स्टूडेंट्स, इसको एल स्क्वायर ये देखो ये क्या है मीटर में, मीटर को लेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं तो लेंथ का स्क्वायर और ये हो गया 80 एल स्क्वायर, एल ऊपर जाएगा तो एल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स चलिए लास्ट एंड फाइनल आइए वॉल्यूम। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अब अगेन व्हेन चार्ज ऑन ए बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन थ्री डायमेंशनल इट इज नोन एज सरफेस की जगह क्या जाएगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके लिए एग्जांपल कौन कौन सी बॉडीज हो सकती है, हो सकता है स्टूडेंट्स स्पेयर हो सकता है क्यूब हो, क्यूब और स्पेयर दोनों ही 3D बॉडीज है स्टूडेंट्स। देखिए ये क्यूब ले लिया इस पर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरह से, तो मान लीजिए इस बॉडी पे जो चार्ज है चार्ज इस पे जो चार्ज है वो है क्यू और इसका वॉल्यूम वो है वी। तो स्टूडेंट आप देखिए क्यू अपॉन वी इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से और इसे बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ये क्या कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसे बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। स्टूडेंट्स समझ में आ गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब स्टूडेंट्स आइए आते हैं इसकी यूनिट पर, देखिए यूनिट क्या होती है इसकी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो देखिए स्टूडेंट्स यूनिट क्या होगी कूलम वॉल्यूम की मीटर क्यूब, ये लीजिए ये इसकी यूनिट होगी। फाइनल डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होती है स्टूडेंट देखिए वही इसकी तो 80 और अपॉन एल क्यूब, ऊपर लेके जाएंगे तो 80 एल माइनस 3 की पावर माइनस 3 ये आपकी डायमेंशन होगी। तो ये ओवरऑल अब तक के चार्ज के बारे में डिस्कशन था स्टूडेंट, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है स्टूडेंट्स ध्यान रखिए आप आगे नेक्स्ट जो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वो होगा कूलम्ब्स लॉ।